जातिगत जनगणना में उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब सिख समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। किशनगंज से खबर है जहां पर सिख समुदाय गुस्से में है। दरअसल सिख समुदाय ने आक्रोश जताया है, विरोध जताया है। दरअसल जो जाति आधारित जनगणना होने जा रही है उसके लिए जो जातियों की कोटी तय की गई है और उन्हें नंबर दिया गया है, दरअसल एक लिस्ट बनाया गया है और लिस्ट में तमाम जातियों को नंबरिंग से कोडिंग की गई है और इसमें इस कोडिंग लिस्ट में सिख समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में अब सिख समुदाय गुस्से में है और सिख समुदाय का कहना है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है सरदार लखा सिंह, वो पहले सुन लीजिए आप। करीब कम से कम 60 से 70 हज़ार सिख रहते हैं, तो आप इसकी जो है जनगणना जब करवा रहे हैं तो सिखों की भी आप इनकी गिनती करवाइए और इनका जो है एक सूचीबद्ध जो आपने जारी की है उसमें जो है सिखों को जो है उनका भी नाम दर्ज होना चाहिए था। मैंने कई कार्यालयों से हम लोगों ने बात किया। हमारे किशनगंज अररिया जो और पूर्णिया के जो MLC माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, आज हम लोगों ने भी उनके पास भी पहुंच करके हम लोगों ने अपना जो विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने भी अभी जो है विभाग से जो बात की है तो विभाग ने जो है ये सारा ठीकरा जो है अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर फोड़ा है कि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक विभाग जो है उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो है सरकार को सूची जो है वो उनको प्राप्त करवाए, तो ये जो काम सरकार का था। हम लोग पिछले समय से जो है वो एक तो अल्पसंख्यक की दर्जा प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अब ये नई और हमारे साथ समस्या जिस खड़ी हुई है कि जो सिखों को जो जनगणना सूची जारी की गई उसमें शामिल ही नहीं किया गया। सुन लिया आपने, सरदार लखा सिंह है जो उनका कहना है कि पूरी तरह से सिख समुदाय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पूरे देश में सिख समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है लेकिन बिहार में यह दर्जा प्रदान नहीं है और अब जातिगत जनगणना की सूची में सिख समुदाय को जगह नहीं दी गई है और अब इस पर जो है उन्होंने तगड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में जो सिख समुदाय है उसका एक प्रतिनिधिमंडल जो सचेतक हैं विरोधी दल के यानी BJP के नेता हैं और विधान पार्षद हैं दिलीप कुमार जायसवाल, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और अपना जो विरोध है उन्होंने दर्ज कराया है। इस संबंध में जो दिलीप कुमार जायसवाल हैं BJP के नेता और विधान पार्षद जो हैं और साथ ही साथ सचेतक हैं, मुख्य सचेतक हैं बिहार विधान परिषद में, क्या कुछ उन्होंने कहा इनके समस्या पर, ये भी सुन लीजिए। ये लोगों को साफ छोड़ देना सिख धर्म को, कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का इसको गलती तो माना जाएगा। अभी हमने कार्मिक विभाग के से बात किया, बड़े पदाधिकारी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग अगर समय पर हमें सब कुछ भेज देती तो हम इनका नाम उसमें जोड़ देते। अल्पसंख्यक आयोग जो बिहार में है उसमें पॉलिटिकल लोग चेयरमैन तो बनते हैं लेकिन जो अल्पसंख्यक आयोग का जिम्मेवारी है अल्पसंख्यक के चिंता करना, उसमें अल्पसंख्यक आयोग बहुत ही पीछे है और यही कारण है कि बिहार के अल्पसंख्यक का छोटी छोटी समस्या भी आज तक जो है सरकार के समक्ष संज्ञान में नहीं लाया जा सका है। अल्पसंख्यक आयोग अगर बैठक करके अपनी अनुशंसा कार्मिक विभाग को भेजे, सरकार को भेजे, तो कार्मिक विभाग तुरंत उसको कोड जारी करके जातिगत जनगणना में जोड़ देगी। अब उनको जो है अन्य में अपना नाम देना होगा, तो एक पूरे सिख धर्म के लोगों को अन्य में देना पड़े तो ये तो मतलब इनके साथ अन्याय तो है ही। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने बातचीत की है, तो कार्मिक विभाग के अधिकारियों से जब उन्होंने बात किया तो उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के पर ये ठीकरा फोड़ दिया कि ये गलती अल्पसंख्यक विभाग की है और वैसे में अब जो है इनकी जो बात है सरकार सुन नहीं रही है। तो खैर, BJP के नेता ने भरोसा दिलाया है कि इस बात को ऊपर तक ले जाएंगे और अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं क्योंकि अब जाति आधारित जनगणना में जिसका दूसरे चरण का कार्य 15 अप्रैल से शुरू होना है, बहुत कम वक्त रह गया है लेकिन जो जातियों की कोडिंग का मामला वो सुलझते नहीं दिख रहा है। इससे पिछले
पिछले दिनों भी कई सारे विवाद पैदा हुए, कई जातियों को लेकर जिस तरह से गलत सूची में शामिल कर दिया गया, कई जातियों को दूसरे जातियों में जोड़ दिया गया, तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस कोडिंग को लेकर, इस जाति के नंबर कोडिंग को लेकर। और अब सिख समुदाय ने भी विरोध कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।